बारापत्थर मैदान पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पांडे हजारों किसान नेताओं के साथ पहुंचे और किसानों और मनरेगा मजदूरों की स्थानीय मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर निलंबित समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। आपको बता दें कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए गए श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी का भुगतान विगत कई महीनों से लंबित है, जिसमें मनरेगा मजदूरों के दैनिक जीवन यापन करने पर संकट उत्पन्न हो गया है। राष्ट्रगंज के बारापत्थर मैदान में आज भारतीय किसान यूनियन के नेता कुलदीप पांडे जी हजारों की तादाद में आए हैं, भाई इनसे कुछ बातचीत करते हैं। धरना प्रदर्शन है, किसान विरोधी नीतियों के चलते किसानों का कोई काम नहीं हो रहा। स्थानीय स्तर पर प्रशासन उनकी उपेक्षा कर रहा है, सरकारी कागजी कार्रवाई हो रही है, किसान दिवस के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है, कृषि विभाग जो सम्मान निधि योजना है वो किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे किसानों के चक्रोट दबा लिए गए हैं सरकारी और किसानों पर कार्रवाई हो रही है। दतलाना पुख्ता में 3000 बीघा को एक्वायर कर ली गई है, किसानों की कुड़की की कर दी है। जो किसान जमींदारी प्रथा से वहां काबिज थे उनको बेदखल करने का काम किया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हम आए हैं। और भी किसान है, हम उनसे बातचीत करते हैं किस तरह की परेशानी को लेकर आज प्रशासन से हमने धरना प्रदर्शन किया है। ऐसा है कि जहां जिला प्रशासन जो कि बिल्कुल भ्रष्ट तरीके से हम किसानों का उत्पीड़न कर रहा है, कागजी नंबरों में दिखा दिया जाता है कि हमारे जिले की तमाम समस्याओं को नंबर वन पे कर दिया गया, यानी हटा दी गई है, कोई समस्या नहीं है, और कागजी तरीके जिला कासगंज को नंबर वन दिखा दिया जाता है, जबकि जनपद कासगंज में किसानों की समस्या इतनी है कि किसान परेशान है, तराई तराई हो सकता है, लेकिन प्रशासन की कानों में जू तक नहीं रहती है। अगर हमारी आज जो जायज मांगे हैं अगर पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में भारतीय किसान यूनियन भानु आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय का घेराव करेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता का कहना है कि आगे भी धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, यदि हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया। कासगंज के स्वराज एक्सप्रेस के लिए देवेंद्र यादव।